आज का वीडियो प्रीमियर प्रो में जो मैं बताने वाला हूँ वो है जब आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन होती है, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, वीडियो ट्रैक के ऊपर, ऑडियो ट्रैक के ऊपर आपको बहुत इंडिविजुअली काम करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, क्लिप्स टू क्लिप माइग्रेट करना पड़ता है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी क्लिप्स को ट्रिम करने में, मूव करने में, या फिर आपके CTI को मूव करने में, क्लिप तक पहुँचने में, सेलेक्ट करने में, डीसेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये टिप्स। चलिए बताता हूँ ये टिप्स हैं क्या। तो देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले चीज़ कि आप एडिट पॉइंट को सेलेक्ट कैसे कर सकते हो। किसी भी क्लिप का जो हेड होता है, जैसे ये वीडियो क्लिप है उसका एक हेड, इस वीडियो क्लिप का ये टेल, इसका ये हेड, इसका ये टेल, आप कभी भी इस पे लाकर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये इस क्लिप का टेल वाला जो एडिट पॉइंट है वो सेलेक्ट हो गया है, ये हेड वाला एडिट पॉइंट सेलेक्ट हो गया। आप ऐसे एडिट पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल एडिट पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है टिप नंबर टू की, जो है ई शॉर्टकट की, जो कीबोर्ड पे ई अल्फाबेट होता है उससे क्या होता है। देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इस हेड पॉइंट को सेलेक्ट किया और मेरा प्ले हेड यहाँ पर है, मैंने दबाया ई, तो जैसे ही मैं क्लिप को मैं ई दबाता हूँ तो जो मेरा प्ले हेड था और जिस एडिट को मैंने सेलेक्ट किया है वो उस एडिट पॉइंट को उस प्ले हेड तक ले जाएगा, चाहे उस केस में चाहे उसको एक्सटेंड करना पड़ रहा हो, चाहे उस केस में उसको ट्रिम करना पड़ रहा हो, पर अगर एक्सटेंड कर रहा है तो उसके पास फ्रेम होने चाहिए। जैसे अभी ये क्लिप है, देखिए इसमें साइड में वाइट ट्रायंगल आ रहा है और अगर मैं इसका ये एडिट पॉइंट सेलेक्ट करूंगा और अगर मैं इसको अब ई प्रेस करता हूं तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एक्सटेंड उसको नहीं करेगा क्योंकि इसके पास क्लिप के पास फ्रेम है ही नहीं। इसको मैं करता हूं और मैंने इस एडिट पॉइंट को सेलेक्ट किया और मैंने दबाया ई, तो देखिए इसने इसको ट्रिम कर दिया क्योंकि वो उसको प्ले हेड तक लेके जाएगा एडिट पॉइंट को। और जो एडिट पॉइंट होता है वो जो ई शॉर्टकट की, जैसे मैं इस क्लिप को यहाँ लेकर आया और अगर मैं यहाँ लाकर इस वाली ये जो ग्राफिक टेम्पलेट है इसके एडिट पॉइंट को मैं एक्सटेंड करूँगा तो वो उसको कभी भी ओवरराइट नहीं करता है। ओवरराइट जो ई शॉर्टकट से जो आप एक्सटेंड कर रहे हो उसमें कोई भी वीडियो क्लिप ऑडियो क्लिप को वो ओवरराइट नहीं करता है। जैसे अब इसका मैंने एडिट पॉइंट सेलेक्ट किया और मैंने ई दबाया तो देखिए पूरा एक्सटेंड हो गया, ये था ई। तीसरी टिप है, आपको जब आप टाइमलाइन के ऊपर होते हो आपको एडिट पॉइंट टू एडिट पॉइंट बहुत जंप करना पड़ता है, मतलब इसके हेड से इसके टेल पे, इसके हेड से इसके टेल पे, इसके हेड से इसके टेल पे, ऐसा जंप बहुत करना पड़ता है। अभी देखिए मेरा कोई भी ट्रैक टारगेटिंग सेलेक्टेड नहीं है और मैं अगर अप डाउन की जो मेरी कीबोर्ड पे होती है उनको यूज करता हूँ तो वो जितने भी वीडियो ट्रैक के जितने भी एडिट पॉइंट है, चाहे वो हेड वाला हो चाहे वो टेल वाला हो, सेम ऑडियो में भी कोई भी ट्रैक टारगेटिंग ऑन नहीं है तो वो सारे जितने भी एडिट पॉइंट है उन पे जंप कर रहा है एरो की हेल्प से, डाउन एरो की से मैं सारे एडिट पॉइंट पे सेलेक्ट जंप कर पा रहा हूँ, अब से मैं पीछे जा पा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मेरा सिर्फ V1 ट्रैक इनेबल है तो अब आप एडिट पॉइंट V1 ट्रैक के हैं वही काम करेंगे अप डाउन की से, सिर्फ जो भी क्लिप्स आपकी V1 ट्रैक के ऊपर पड़ी हैं उन्हीं के एडिट पॉइंट पे वो जंप करेगा बार बार। एक बोनस टिप कि आपको जैसे अभी सबकी ट्रैक टारगेटिंग ऑन करनी है तो आप शिफ्ट प्रेस करके किसी भी ट्रैक टारगेटिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे सारी ट्रैक टारगेटिंग ऑन हो जाएंगी। टेम ऑडियो के साथ है, मैंने शिफ्ट प्रेस किया और मैंने कहीं भी क्लिक किया, इस किसी पे भी इस पे क्लिक किया सारी सेलेक्टेड, अगर मैं दोबारा शिफ्ट दबा के क्लिक करता हूँ तो सारी ट्रैक टारगेटिंग ऑफ, इसकी भी सारी ऑफ। ओके, मतलब जंप आप करते हो जब आपका कोई भी ट्रैक टारगेटिंग ऑन हो उस एडिट पॉइंट पे करोगे, नहीं तो, और अगर किसी पे भी सिलेक्टेड नहीं है तो भी सब पे काम करेगा। और हम लोगों को आदत होती है हमारी ज्यादातर V1 और A1 या कोई ट्रैक टारगेटिंग ऑन है और आप उस डिसेबल इनेबल नहीं करना चाहते इस सिर्फ जंपिंग के लिए एडिट पॉइंट टू एडिट पॉइंट, तो आप सिर्फ शिफ्ट प्रेस करो, अब आपका वही काम होगा। देखिए, आप इररेस्पेक्टिव ऑफ ट्रैक टारगेटिंग आपका प्ले हेड सारे एडिट पॉइंट पे जंप कर रहा है, मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है इस टाइम और देखिए सारे एडिट पॉइंट पे जंप कर रहा है, शिफ्ट छोड़ दूंगा तो उस टाइम सिर्फ ट्रैक टारगेटिंग V1 ट्रैक की ऑन है तो वो सिर्फ V1 ट्रैक के एडिट पॉइंट पे V1 और A1 के एडिट पॉइंट के हिसाब से वो जंप करेगा। ये होता है आपका क्लिप टू क्लिप जंप करना, बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत इजी भी है, अब आपको समझ में आया होगा। कॉपी पेस्ट, जब आप क्लिप को कॉपी पेस्ट करते हैं सिंपल आप ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो भी आपकी क्लिप कॉपी पेस्ट होती है, पर आपको डेस्टिनेशन पर खुद देना पड़ता है। मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी और मैं इसको यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ तो वो मेरा पेस्ट होगा पर जिस भी ट्रैक टारगेटिंग इनेबल है उस पे पेस्ट होगा। देखिए ये कंट्रोल वी, जैसी मैंने किया तो V1 ट्रैक की जो ट्रैक टारगेटिंग ऑन थी इसलिए वो वहां पे पेस्ट हुआ है। मैंने इसको कॉपी किया और मैंने V3 की ट्रैक टारगेटिंग ऑन करी और मैंने पेस्ट किया तो V3 ट्रैक के ऊपर पेस्ट हुआ है। सेम चीज अगर आप किसी और सीक्वेंस से ऑडियो या क्लिप को लेकर आ रहे हो तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जिस सीक्वेंस के ऊपर आप लेकर आ रहे हो उस सीक्वेंस में ट्रैक टारगेटिंग कौन से ट्रैक की ऑन है, और अगर कोई भी ऑन नहीं होता है तो आप पेस्ट करेंगे तो जैसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो
तो जिस ट्रैक से आपने उठाया वो उस ट्रैक के ऊपर पेस्ट कर देगा। पर ऐसा मुझे जहाँ तक ध्यान है ऐसा नहीं होता था, कुछ गड़बड़ है इसमें शुरू पक्का। वो V1 ट्रैक जो बाय डिफॉल्ट जो लोअस्ट ट्रैक होता है उस पर पेस्ट कर देता है। जैसे V3 और V1 मैंने इनेबल किए और मैं अब पेस्ट करूंगा तो वो V1 ट्रैक के ऊपर जाएगा। V1 V3 के अंदर जो सबसे लोअस्ट ट्रैक है उसको वो प्रायोरिटी देता है। सेम चीज अगर मैं इसको हटा दूं तो ये पता नहीं क्यों V3 ट्रैक के ऊपर जा रहा है पर इसको V1 ट्रैक के ऊपर आना चाहिए था। शायद कुछ चेंजेस हुए हों या फिर कुछ गड़बड़ हो रही हो, अभी मेरा जस्ट अडोबी अपडेट हुआ है। सेम चीज आपकी ऑडियो में भी काम करती है। अभी आता है एक ट्रिमिंग का शॉर्टकट, आपने देखा था Q और W अगर आपने देखा हो तो। देखिए अगर मैंने ये क्लिप सेलेक्ट नहीं करी है, मैं सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन के ऊपर हूँ जहाँ मेरा प्ले हेड है और मैंने अगर क्यू दबाया तो देखो कुछ नहीं हो रहा है। पर वहीं अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब क्यू दबाता हूँ तो देखो उसने इस क्लिप को ट्रिम कर दिया क्यू से। कहाँ से? प्ले हेड मेरा यहाँ था, प्ले हेड से पहले इस क्लिप का जितना भी पार्ट है वो क्यू प्रेस करूँगा तो वो ट्रिम हो जाएगा। ये तब की बात है जब ये सिंगल क्लिप है। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं यहाँ पर हूँ और इसके नीचे कुछ मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, मैं ग्राफिक टेम्पलेट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एक्चुअली ड्यूरेशन का कुछ मतलब नहीं होता इसलिए, ठीक है। अभी मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया और मेरा V3 ट्रैक इनेबल है, कोई भी क्लिप सेलेक्टेड नहीं, सिर्फ मेरा टाइमलाइन पैनल सेलेक्टेड है और मैंने क्यू दबाया तो देखिए क्या हुआ। उसने इसकी मैं V3 ट्रैक पे हूँ और उसने इसके हिसाब से उसने ट्रिम किया पर सबको ट्रिम कर दिया। देखा, सबको ट्रिम कर दिया। हमको ये नहीं चाहिए होता है क्योंकि हमारे कभी कभी जो ए रोल होते हैं उनके ऊपर बी रोल होते हैं, बी रोल के ऊपर कुछ ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं उनको ट्रिम करना है क्यू और डब्ल्यू की हेल्प से। तो डब्ल्यू से क्या होता है, अब जैसे मैं इस V3 ट्रैक के ऊपर हूँ और मैं ट्रिम करूँगा तो अब ट्रिमिंग इसके हिसाब से होगी पर वो बाकियों को भी ट्रिम कर देगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अब मैंने इसको ट्रिम किया तो देखिए इसने इसको भी ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम किया, पर बेस इसको माना क्योंकि वो V3 ट्रैक के ऊपर था। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ और अब करता हूँ W से ट्रिम तो देखिए कुछ ट्रिम नहीं हो रहा है। और अगर मैं V2 ट्रैक चूज कर लूँगा तो वो इसके बेस पे ऊपर वाले क्लिप्स को ट्रिम कर देगा। देखा, इसको भी ट्रिम किया, ऊपर ट्रैक को भी ट्रिम कर दिया। पर मैंने जैसे बताया आपको, ये मेरा मान लीजिए ए रोल है और ये मेरा बी रोल है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बी रोल ट्रिम हो, मैं ऐसे एक्सटेंड करके ट्रिम करना नहीं चाहता, मुझे शॉर्टकट यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आप जैसे आपकी कोई भी ये क्लिप सिलेक्टेड थी तो मैं दबाऊँगा इसको सेलेक्ट तो करना पड़ेगा, मैंने दबाया Shift W। तो देखिए Shift W से क्या हुआ, उसने सिर्फ और सिर्फ उसी क्लिप को ट्रिम किया है। और मैं इधर करके V4 ऑन करता हूँ, इसको डिसेबल कर देता हूँ और मैं अब दबाता हूँ Shift Q तो देखिए उसने प्लेहेड से इधर वाला पार्ट सिर्फ इस क्लिप का ट्रिम किया, इसका नहीं किया। तो कभी भी आपके अगर वीडियो ट्रैक, बहुत सारे वीडियो ट्रैक के ऊपर ओवरलैपिंग वीडियोस पड़े और आपको किसी एक को ट्रिम करना हो शॉर्टकट की हेल्प से, तो आप Shift Q और Shift W यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और देखते हैं, मान लीजिए अगर मेरा ये भी इनेबल है और मैंने कुछ V4 पे ये है और V2 पे ये है और मैंने कुछ भी कोई भी क्लिप सेलेक्ट नहीं करी और अब मैं Shift Q दबाता हूँ तो वो दोनों को ट्रिम कर दे रहा है प्ले हेड पे, ओके। तो एक्चुअली ट्रैक टारगेटिंग यहाँ यूजफुल होती है Q W और Shift Q W के साथ, ओके। जब भी मैं एडिट लगाता हूँ सीक्वेंस में क्या एडिट कंट्रोल के, मतलब जब भी मैं कट लगाता हूँ या तो मैं रेजर टूल से कट लगा सकता हूँ इंडिविजुअल क्लिप के ऊपर, ओके। सी दबाया तो रेजर टूल आ गया, मैं वी दबाया वाकई सिलेक्शन टूल पर चला गया, मैंने कोई सेलेक्टिंग कर रखा हुआ, मैंने दबाया कंट्रोल के। तो देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल के दबाया है तो उसने जिन जिन ट्रैक के ट्रैक टारगेटिंग ऑन थी उन पे एक एडिट लगा दिया है। देखा, अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और अब मैं कंट्रोल के मारता हूँ, मैंने क्लिप सेलेक्ट नहीं करी है, देखिए मैं कंट्रोल के किया तो उसने इस पे एक एडिट लगा दिया क्योंकि मेरा V4 ट्रैक सेलेक्टेड था। अगर मैं V1 करता हूँ और इसको हटा देता हूँ तो समझ गए शायद आप अब ये। तो ट्रैक टारगेटिंग डिपेंड करती है कंट्रोल जेड। अब ट्रैक कंट्रोल के जब आप एडिट लगाते हो तो डिपेंड करता है कि आपका ट्रैक टारगेटिंग कौन से ट्रैक की ऑन है, तो एडिट सिर्फ उसी पर लगता है। पर अगर मैंने ट्रैक टारगेटिंग इसकी ऑन करी सिर्फ और मैंने कंट्रोल शिफ्ट के किया तो देखिए वो सब पे लगा देता है इरेस्पेक्टिव ऑफ योर ट्रैक टारगेटिंग। अगर ऑडियो में भी होंगे तो ऑडियो में भी वो एक एडिट पॉइंट लगा देता है। जितने भी टिप्स मैंने बताए प्लीज उनको एक बार टाइमलाइन के ऊपर ना खुद से ऑपरेट करके देखना, खुद से इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे और अपनी जो रोज की जो आपकी एडिटिंग चल रही है अभी, जो आप डेली एडिटिंग कर रहे हो, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोशिश कीजिएगा यही चीज़ें आप उनमें यूज़ करो, उनको इस्तेमाल में लाओ जिससे वो आपके
सिस्टम में बैठ जाए और आपकी एडिटिंग थोड़ी सी फास्ट हो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से इंस्टाग्राम में या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।